हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर फिफ्थ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे पहले हम इसके दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी किया। आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्टेट, शेप एंड साइज में कोई चेंज आता है, ठीक है, जिससे उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, वो होते हैं फिजिकल चेंजेस। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज होते क्या हैं, ठीक है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, जब नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। आज इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जितना पढ़ लिया था वो डिटेल में आप वो क्लासेस देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मैग्नीशियम रिबन के बारे में हमने स्टडी कर लिया था लास्ट क्लास में ही। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। तो हमने क्या देखा था, जब मैग्नीशियम रिबन जब हमने उसको बर्न किया था तो एक वाइट ब्राइट लाइट हमने देखी थी, ठीक है, तो वो एक केमिकल चेंज था। क्यों? क्योंकि नई चीज़ की या नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई थी। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर आर टू डिफरेंट थिंग। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। पहले भी पेपर था, बाद में भी पेपर है, शेप साइज में चेंज आता है, ठीक है। बट जब मैं बर्निंग ऑफ पेपर की बात करती हूँ तो बर्निंग ऑफ पेपर का मतलब क्या है, पहले पेपर था उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगी, जस्ट ऐश। नेक्स्ट, इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। अब इसने बोला कि हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना, वो ऑलवेज बी अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड बर्निंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, बर्निंग ऑल्सो नीड्स हीट एंड प्रोड्यूसेस हीट। नेक्स्ट, अब जैसे कि आपको पता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो भी चेंज हमारे आसपास होते रहते हैं, या तो वो फिजिकल चेंज होंगे या तो वो केमिकल चेंज होंगे। बट फिर भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम, वैसे तो हमें पता है कि सारे चेंज हमारे पास होते हैं, बट इट्स ईजी वैन वी स्टडी इट फ्रॉम बुक। और जब कोई हमें एग्जाम्पल बता देता है तो ये लिखने में भी ईजी होता है और वी कैन रिकॉल ईजीली, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एग्जाम्पल्स से। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क, ठीक है। जब हमने साउंड में देखा था, क्या साउंड की में चेंज आना या साउंड का प्रोड्यूस होना इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। You know that such an explosion produces, अब explosion होगा, कोई चीज़ एक्सप्लोड होगी तो क्या होगी, हीट को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, लाइट को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, एंड साउंड, साउंड तो मोस्ट प्रोबेबल, और कुछ नहीं तो आपने दिवाली पर पटाखे फोड़े होंगे, वो भी क्या होता है, एक्सप्लोजन ही होता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। और अनप्लीजेंट गैसेस, और कितनी ज़्यादा बुरी स्मेल आती है, ठीक है, और ये जो गैसेस होती है ना, ये हार्मफुल गैसेस होती है जो पोल्यूट करती है एटमोसफेयर को, ठीक है। दैट इज़ व्हाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसीलिए बोला जाता है कम से कम फायरवर्क्स के साथ आपको खेलना चाहिए, और यू कैन से कम इनका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें पहले CO2 की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो रखी है ना, तो उसमें उसको पोल्यूट ना करें, राइट। इससे नेक्स्ट, अब क्या है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। अब पहले तो फूड के अंदर एक अच्छी स्मेल आती है जब वो क्या होता है, फ्रेश होता है। बट आप देखेंगे अगर आप वैसे ही इसको एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इट विल प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल। अब क्या है, उसमें कोई ना कोई चेंज आया है, कोई ना कोई केमिकल चेंज आया है, उसके बाद उसकी स्मेल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। उस चीज़ की स्मेल है जो केमिकल चेंज आया, जिस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है वो स्मेल हमें आती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या हम इसको केमिकल चेंज बोलेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर। अब जैसे हम एप्पल को कट करते हैं तो उसकी स्लाइस, मतलब पीस ऑफ
एप्पल, ठीक है, जब वो एटमोसफेयर के कांटेक्ट में आती है, अगर आपको आप उसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं तब, तो उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है इफ़ इट नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली, अगर आप उसको साथ के साथ नहीं खाते हैं तो। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम, रिपीट द सेम एक्टिविटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, तो आप ये घर पे करके देख सकते हैं, ईजिली आपको पता चल जाएगा, तो इट इज़ एन ईजी एक्टिविटी। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, ठीक है, पोटैटो और ब्रिंजल के साथ क्या होगा? द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब हमेशा जो चेंज आता है ना, वो क्यों आता है? क्योंकि वो पहले वाली सब्सटेंस तो रही नहीं है, वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई है। अब जो पोटैटो को आप थोड़े टाइम के लिए रखते हैं ना, नॉर्मली ये बेसिकली सब घर पे नोटिस कर सकते हैं, जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, पोटैटो और ब्रिंजल का कलर हो जाता है ब्लैक। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था? एसिड बेस और उनकी रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ी थी, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? आप देखो, एसिड लिया था बेस के साथ, बना क्या था? सोल्ट प्लस वाटर। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं है ना, तो मतलब न्यू चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट बता रखा है प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर, आपने ओजोन के बारे में सुना होगा। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, एटमोसफेयर की सेकेंड लेयर में। अब इसका काम होता है, यह हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। अब ओजोन क्या करती है? इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेडिएशन को, और किस चीज़ में ब्रेक डाउन होती है? ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन की ये फॉर्मेशन करेगी। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? अब देखो, पहले ओजोन O3 थी, और जब ये O2 में होगी, मतलब न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ओजोन से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ऑक्सीजन की, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी ओजोन, तो वो अर्थ के सर्फेस पर आएंगी, एंड दीज आर सो मच हार्मफुल टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। नेचुरल शील्ड का काम करती है, हमें बचाती है। नेक्स्ट, अब इसने बोला है बूझों को क्या बूझना है। बूझों ने बोला है कि फोटोसिंथेसिस कैन वी कॉल ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये लास्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसी से शुरू किया था, केमिकल चेंज जो मोस्ट कॉमनली सब देख लेते हैं, क्योंकि देयर आर सो मच थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम आयरन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। रस्टिंग, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट रस्टिंग, दिस इज ऑलवेज बिलोंग टू आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम, ठीक है, पहले आयरन है, रस्ट लगने के बाद है ना, आयरन को ख़त्म कर देता है रस्ट, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, विच इज़ नॉट आयरन, रस्ट इज़ नॉट आयरन। सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिज, ships, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, जितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट और कैन से बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, वो आयरन से बने होते हैं, ठीक है। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। मनी लॉस कितना होता है बार बार किसी चीज़ को बनाने में, या एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, ओर से, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयरन दैट इज Fe प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्लस वाटर, मतलब आयरन जब तक वाटर और ऑक्सीजन या एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, तब तक रस्टिंग नहीं होती है, दैट इज रस्ट। रस्ट क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर्स इज असेंशियल, ठीक है।
बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि एयर में क्या होती है, वाटर तो होता नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी, बट जब मॉइस्ट एयर होती है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिससे रस्टिंग होती है। इनफैक्ट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एयर इज़ हाई विच मीन्स इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्ट। ठीक है, अब देखो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो हम ये नहीं बोल सकते हमेशा, बट क्या होगा कई बार वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे कई बार कम होंगे। जहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर्स की वो ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर रस्टिंग क्या हो जाएगी, फास्टर। तो जैसे आप सी कोस्ट की साइड देख सकते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब देखो रस्टिंग तो होगी, एयर हर जगह प्रेजेंट है, तो कैसे हम उसको प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर और बोथ। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, जो आयरन ऑब्जेक्ट है ना उसको एयर के कॉन्टेक्ट में आने से बचाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। अब किस चीज़ से कवर करना है, उसको ऑब्वियसली कपड़े नहीं पहनाने हैं। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा होगा आप गेट होते हैं जो आपके आयरन के गेट्स होते हैं उनको पेंट करके रखते हैं, क्यों, ताकि उसमें जर ना लगे और किनसे रस्ट ना लगे। तो इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और कैसे प्रिवेंट करते हैं, ऑयल या ग्रीसिंग से भी हम प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग को। अनदर वे इज़ टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो लेयर बना देते हैं किन मेटल के, लाइक क्रोमियम जिंक और आयरन, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं एयर एंड मॉइस्चर के साथ, यू कैन से वाटर के साथ, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होती। ओ दैट इज़ व्हाई माय फ्रेंड रीटा इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर द कोस्ट, शी लिव्स नियर द कोस्ट बिकॉज वहाँ की जो एयर है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगी। अब जो दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, ठीक है, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर इज़ गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, जो पाइप्स, जो आयरन की पाइप्स, जिस पाइप से हमारे घरों में पानी आता है या फिर हम वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं ना, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, जिंक की। नेक्स्ट, यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। शिप आपने देखी होगी ना, शिप, ठीक है, वो हमेशा किसके अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, उसका एक पार्ट तो वो चलती ही पानी के अंदर है। ठीक है, तो ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। ठीक है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो भी ऑब्वियसली ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। अब जो सी का वाटर है, अब शिप तो सी के अंदर ही चलेंगी, ठीक है, तो जो सी वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा सोल्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा सोल्ट्स को कंटेन करता है, एंड सोल्ट है जो रस्टिंग की प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं। ठीक है, मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा, एक तो शिप है और बार बार उनको क्यों पेंट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो बेटर ऑप्शन कि हम उनको चेंज कर लेते हैं। तो सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ द शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, हर साल इसको बदला जाता है आयरन को। ठीक है, कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस इन द वर्ल्ड, तो कितना ज़्यादा जो लॉस होता है मनी का इस काम के अंदर। उप्स, ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. Stainless steel alloy होता है, ठीक है, वो ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकें, रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकें, इसलिए स्टेनलेस स्टील बना गया बाय मिक्सिंग कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। सिंपली हम बोल सकते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन, लाइजेशन मतलब फॉर्मेशन, क्रिस्टल दैट इज़ क्रिस्टल। ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हमने सोल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, हमें मिलता है कहाँ से सोल्ट मिलता है, सी वाटर से मिलता है, ओशन से मिलता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैनॉट बी सीन क्लियरली।
बट अब आपको पता है सोल्ट है, जब इवेपोरेशन के साथ इम्प्योरिटीज तो उससे अलग होती नहीं है, तो वह हमारे पास किस फॉर्म में नहीं है, प्योर फॉर्म में नहीं है, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में, मतलब उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है, तो उसके क्रिस्टल्स हमें अच्छे से नहीं दिख रहे। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे मिलते हैं हमें, यू कैन से फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, तो उसके सॉल्यूशन से हमें मिलते, तो ऑब्वियसली हम उसका क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिल्टर करेंगे, तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, एंड जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, जो हमें क्रिस्टल मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं की है, यू कैन से कोई भी केमिकल चेंज या नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ये फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 5.9 टू बी परफॉर्म बाय द टीचर, क्वेश्चन क्या, यूज ओनली डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। Taking a cupful of water in a beaker and a few drops of dilute sulfuric acid, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपको पानी लेना है, उसके बाद आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डालना है, उसके बाद उसको हीट करना है। When it start boiling, add copper sulfate powder, जब ये उबलना शुरू हो जाए तो हमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट पाउडर, और उसको कंटिन्यूटी में स्टिर करते रहना है, चलाते रहना है, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, और कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करते रहना है, कब तक ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, सैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जो कंसनट्रेशन होती है, यू कैन से सैचुरेटेड कम्प्लीट होती है, उसके अंदर हम और चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कब तक ऐड करना है, टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, फिल्टर द सोल्यूशन, आफ्टर दैट यू हैव टू फिल्टर इट, फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन वैन इट इज़ कूलिंग, और बार बार उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है, मतलब एक साइड में आप उसको रख दीजिए। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे ना, तो कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आपको उसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखेंगे। इफ़ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं दिखते तो कुछ टाइम के लिए और रखिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हियर। आई होप दिस इज क्लियर। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो जितने भी चेंज होते हैं वो फिजिकल है या केमिकल चेंज है, तो आप इन सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी आपकी सराउंडिंग में होती है, और जो भी हमने स्टडी किया एक बार उसको फिर से रिवाइज करिए, फिर से स्टडी करिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस एंड रिवीजन ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।